हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर नंबर 2 इज शेप्स एंड एंगल्स। लेट्स लर्न अवर 2D शेप्स, सर्कल, ओवल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजॉइड, रोम्बस, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ऑक्टागॉन, हेप्टागॉन, डेकागॉन, नैनागॉन। दोज शेप्स आर कॉल्ड अ 2D शेप्स। Name the polygons with the following number of sides. The three number of sides, it is called a triangle shape. Then four number of sides, it is called a quadrilateral. Five number of sides, that is called a pentagon. Six number of sides, that is called a hexagon. Seven number of sides, that is called a heptagons. 8 number of sides, that is called a octagon. 9 number of sides, that is called a nonagon. 10 number of sides, that is called a decagon. Then last 12 number of sides, that is called a dodecagon. Point. A point is usually represented by a small dot by a sharp tip of the pencil. Mark a dot on the paper. Sharper the tip, thinner will be the dot. Line segment. A line drawn between two points is known as a line segment. यानि कि two point के बीच में जो line draw की होती है उसको ही हम line segment बोलते हैं. A line segment is usual to determine the distance between two points. लाइन सेगमेंट जो है वो टू पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे मेजर करने के लिए हम लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं. इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद द लिमिटेड लेंथ एंड टू एंड पॉइंट्स. द पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट. इट इज नेम एज लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट बी ए. A line is obtained when a line segment like AB is extended on both sides infinity. That means हमने आगे जो देखा लाइन सेगमेंट का, तो लाइन सेगमेंट में लिमिटेड लेंथ थी और यहाँ पे हम जो लाइन की बात कर रहे हैं तो लाइन में हम यहाँ पे कोई लिमिट लेंथ की कोई लिमिट नहीं है. दोनों तरफ हम लाइन को बढ़ा सकते हैं. इट इज़ डोनेटेड बाई AB और समटाइम्स बाई अ सिंगल स्मॉल लेटर लाइक L. हमें जब लाइन को मेज़र करना हो तो हम उसे कैसे डोनेट करेंगे, तो राइट ए बी या फिर सिंगल स्मॉल लेटर लाइक एल. स्मॉल लेटर एल से भी हम उसको डोनेट कर सकते हैं. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ लाइन. दिस शॉर्टेस्ट जॉइन ऑफ पॉइंट ए टू बी शोन हियर इज अ लाइन सेगमेंट. ए और बी पॉइंट दिखाई दिया है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के अलग अलग रास्ते हमको दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें से सबसे शॉर्ट जो रास्ता है वो लाइन सेगमेंट वाला है. इसमें हमें यही बताया गया है कि सबसे शॉर्ट जो रास्ता होता है वो लाइन सेगमेंट होता है. रे. अ रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन. इट स्टार्टेड एट वन पॉइंट एंड गोज एंडलेसली इन अ डायरेक्शन. यानी कि रे जो होता है वो एक लाइन का ही पोर्शन है और वो वन पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड उसका एंड नहीं होता है. वो इसी डायरेक्शन में उसको जहाँ तक जाना होता है वहाँ तक, इन्फिनिटी तक वो जा सकता है. टू पॉइंट्स आर शोन ऑन द रे. दे आर ए द स्टार्ट. ए इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड पी इज अ पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ द रे. वी डोनेटेड इट बाय ए पी. सम मॉडल्स ऑफ अ रे. बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस. देन रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च. देन सन रे. कर्व. दैट मीन्स एनीथिंग विच इज नॉट स्ट्रेट इज कॉल्ड अ कर्व. विच फिगर आर नॉट स्ट्रेट. थ्री टाइप्स ऑफ कर्व. सिंपल कर्व, ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व.
So first is simple curve, a curve that does not cross itself. This is the picture of simple curve. Curve that does not cross itself. That means ऐसी फिगर जो अपने आप खुद में ही क्रॉस नहीं होती. सेकंड इज ओपन कर्व, कर्व इन विच इट्स एंड पॉइंट डू नॉट मीट. दिस इज द पिक्चर ऑफ ओपन कर्व, ऐसा कर्व जिसमें जो फिगर में वो दोनों एंड पॉइंट जो होते हैं वो एक दूसरे को मिलते नहीं है. ऐसी फिगर जो होती है उसको हम ओपन कर्व बोलते हैं. द लास्ट इज क्लोज कर्व, कर्व दैट डज नॉट हैव एन एंड पॉइंट एंड इज एन अनक्लोज फिगर. दिस इज द पिक्चर ऑफ क्लोज कर्व. द कर्व विच डू नॉट हैव सम स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड अ ओपन कर्व. दैट मीन्स ऐसे फिगर जिसमें स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट दोनों एक दूसरे को मिलते नहीं है. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ओपन कर्व. अ कर्व विच स्टार्ट्स एंड एंड एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड अ क्लोज कर्व. दैट मीन्स स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स दोनों सेम हो गए, ऐसे फिगर को हम क्लोज कर्व बोलते हैं. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ क्लोज कर्व, द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल. एंगल्स, एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रे स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट. हियर यू कैन सी द फिगर, ओ इज अ कॉमन पॉइंट और ए एंड बी इज अ रेज. टू रेज ओ ए एंड ओ बी मेक एंगल ए ओ बी और ऑल्सो कॉल्ड एंगल बी ओ ए. द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड अ वर्टेक्स. दैट मीन्स दोनों साइड्स के बीच में जो मिड पॉइंट होता है उसको ही हम वर्टेक्स बोलते हैं. द एंड पॉइंट ऑफ द सम साइड आर एडजेसेंट वर्टेक्स. दिस इज द पिक्चर ऑफ टाइप ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल एंड फुल रोटेशन. एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. देन राइट एंगल, राइट एंगल इज 90 डिग्री. ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री. देन स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री. देन रिफ्लेक्ट एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. फुल रोटेशन, फुल रोटेशन इज 360 डिग्री. एक्यूट एंगल, एन एंगल विच मेजर मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री. ऐसा एंगल जो मेजर मोर देन 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो, ऐसा एंगल को हम एक्यूट एंगल बोल सकते हैं. देन एन एंगल विच मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री से हम जो एंगल को मेज़र करते हैं वो होता है राइट एंगल. राइट एंगल लाइक दिस कैपिटल लेटर एल. देन एन एंगल विच मेजर मोर देन 90 बट लेस देन 180. ऐसा एंगल जो मोर देन 90 डिग्री से ज़्यादा बट लेस देन 180 डिग्री से कम, उस एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं. देन स्ट्रेट एंगल, एन एंगल विच मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री. तो 180 डिग्री पे जो होता है एंगल उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. क्लासीफाई द एंगल्स. 50 डिग्री इज अ एक्यूट एंगल. देन 70 डिग्री इज अ लेस देन 90 डिग्री. इट ऑल्सो कॉल्ड अ एक्यूट
angle, then 150 degree. 150 degree is more than 90 degree. That is called obtuse angle. Then 90 degree, it is called a right angle. Then 180 degree, it is called a straight angle. Then 85 degree. 85 degree, it is less than 90 degree. That is called a acute angle. Next, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 21 पर लुक एट द एंगल्स इन द पिक्चर्स एंड फिल द टेबल्स. पेज नंबर 21 पे आपको एक टेबल दिया गया है, उसको आपको फिलअप करना है कि जो फिगर दिए उसमें एंगल्स बताए गए हैं. तो विच आर एंगल राइट एंगल एंड विच आर एंगल मोर देन अ राइट एंगल, देन विच आर एंगल इज लेस देन अ राइट एंगल, ये सारा आपको फिलअप करना है. तो फर्स्ट इज सीजर. सीजर में जो एंगल बताया गया है वो है लेस देन अ राइट एंगल. देन हैंड की बात करें तो सेकंड पिक्चर में हैंड में राइट एंगल बताया गया है. थर्ड पिक्चर में काइट, काइट में राइट एंगल बताया गया है. देन उसके बाद फोर्थ पिक्चर में मोर देन अ राइट एंगल. देन लास्ट पिक्चर में मोर देन अ राइट एंगल. एंगल्स इन नेम. सुखमन, ये आपको एक नेम बताया गया है, उसमें से कौन से राइट एंगल है और कितने राइट एंगल है और कितने एक्यूट एंगल है वो आपको बताना है. तो ये सुखमन नाम है, उसमें नंबर ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू 11 एंड नंबर ऑफ एक्यूट एंगल इज इक्वल टू 10. ऐसे ही आपकी बुक में 25 पेज नंबर पर एक टेबल दिया गया होगा, उसमें राइट थ्री नेम यूजिंग स्ट्रेट लाइन एंड काउंट द एंगल. उसमें आपको थ्री लाइंस दी गई है, उसमें से थ्री नेम लिखने हैं और उसमें कौन सा राइट एंगल है, कौन सा मोर देन राइट एंगल एंड कौन सा लेस देन राइट एंगल नंबर ऑफ लिखने हैं. सो फर्स्ट इज मयंक की बात करें तो मयंक में नंबर ऑफ राइट एंगल 1 है, नंबर ऑफ एंगल मोर देन अ राइट एंगल 8 है एंड नंबर ऑफ एंगल लेस देन अ राइट एंगल 12. देन आकाश की बात करें तो नंबर ऑफ राइट एंगल 5, नंबर ऑफ एंगल मोर देन अ राइट एंगल 4, नंबर ऑफ एंगल्स देन लेस देन अ राइट एंगल 8. लास्ट इज कलम. कलम की बात करें तो नंबर ऑफ राइट एंगल्स 2, नंबर ऑफ एंगल्स मोर देन अ राइट एंगल 4, नंबर ऑफ एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल 11. सो आपको भी एक ट्राई करना है अपने खुद का नाम का, उसमें से नंबर ऑफ राइट एंगल, नंबर ऑफ एंगल मोर देन अ राइट एंगल एंड नंबर ऑफ एंगल लेस देन अ राइट एंगल वो आपको फाइंड करना है. एंगल्स इन क्लॉक. हियर यू कैन सी द पिक्चर अ क्लॉक, उसमें 8 बजे है. तो ये 8 बजे, ये दोनों जो एरो बताए गए उसमें से हम एंगल को हमें फाइंड करना है. तो कैसा एंगल होगा, वो मोर देन 90 डिग्री, इट इज़ कॉल्ड अ ऑब्ट्यूज एंगल. देन नेक्स्ट पिक्चर इज इन द क्लॉक 11 o'clock. सो द एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्यूट एंगल. द थर्ड पिक्चर इज 3 o'clock, सो 90 डिग्री, द एंगल इज राइट एंगल. Write what kind of angle is made by and the hand at these times. Also write the times. यहाँ पे हमें 5 o'clock दी गई है, उसमें टाइम बताए गए हैं, तो हमें ये लिखना है कि कौन सी क्लॉक में कितना टाइम
बताया गया है और उसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, वो हमें आंसर फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट क्लॉक इज 725, सो उसमें जो एंगल बताया गया है वो लेस देन 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. देन सेकंड क्लॉक इज 8:15 टाइम है, तो उसमें जो एंगल बताया गया है वो मोर देन 90 डिग्री, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. देन थर्ड क्लॉक इज 9:10, तो उसमें ऑब्ट्यूज एंगल. देन फोर्थ इज 9:25 टाइम बताया गया है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑब्ट्यूज एंगल लाइक मोर देन 90. देन लास्ट क्लॉक इज 10 o'clock, सो उसमें लेस देन 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. एंगल्स विथ योगा, रहमत इज डूइंग योगा, दिस आर द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट आसनस ही डज एवरी डे. यहाँ पे जो रहमत है वो योगा कर रहा है, तो उसमें उसकी बॉडी में अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट में है 90 डिग्री, सेकंड में लेस देन 90 डिग्री, थर्ड में 90 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री बता रहा है, और फोर्थ में मोर देन 90 डिग्री. यूज द प्रोट्रैक्टर, अ प्रोट्रैक्टर इज सेमी सर्क्यूलर इन शेप. द सेमी सर्क्यूलर एज ऑफ अ प्रोट्रैक्टर इज डिवाइड इंटू 180 इक्वल पार्ट्स. द डिग्री कैन बी मार्क्ड इन टू वेज लाइक 0 to 180 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन आउटर एज एंड फ्रॉम 180 to 0 इन द इनर पार्ट. हमें किसी भी एंगल को मेजर करना हो तो हम किसकी हेल्प से करेंगे, प्रोट्रैक्टर की. सो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है, ये जो रेड कलर का एंगल हमने जो ड्रॉ किया है उसको हमें मेजर करना है, तो हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से वो मेजर करेंगे. तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो ये रेड कलर वाला जो एंगल ड्रॉ किए हैं उसका जो वर्टेक्स है उसको हमें उसका जो वर्टेक्स है उसके पर ही हमें प्रोट्रैक्टर का जो मिड पॉइंट होता है वहीं पे रखना है, और उसके जो ये एंगल की जो नीचे वाली जो साइड होती है, दिस साइड्स लाइन अप विथ 0 degree ऑन द टॉप स्केल और काउंटर क्लॉक वाइज यूज द टॉप स्केल टू मेजर द एंगल. हमें क्या करना है, ये जो नीचे वाली जो लाइन होती है वो प्रोट्रैक्टर की, वो 0 degree वाली जो लाइन बेसिक लाइन जो होती है उसके ऊपर ही रखना है, और क्या करना है उसके बाद हमें क्लॉक वाइज काउंट करना है कि हमारा जो एंगल है वो कितने एंगल का है. सो हमने ये जो रेड कलर का जो एंगल ड्रॉ किया है उसमें हमने वर्टेक्स को मिड पॉइंट में रखा है, और जो ये 0 degree वाला था वो भी हमने बेसिक लाइन पर ही रखा है नीचे वाली लाइन को. तो हमारा ये जो एंगल है वो 40 to 50 के बीच में आया है, तो 40 to 50 के बीच में, दैट मीन्स 45 degree, हमारा जो ये एंगल है वो 45 degree का है. दिस साइड इंटरसेक्ट द प्रोट्रैक्टर एट 45 degree. सो हमने जो ये एग्जांपल में ये जो रेड कलर के हमने एंगल जो बनाया था उसका हमने प्रोट्रैक्टर की मदद हेल्प से हमने एंगल को मेज़र किया, तो ये हमारा एंगल 45 degree का हुआ. सो इसमें ये प्रोट्रैक्टर है, उसमें जो हमें एल शेप में हमें जब कोई भी एंगल देखने को मिले तो वो है 90 डिग्री, देन उसके लेस देन 90 डिग्री देखने को मिले राइट साइड पे तो वो है लेस देन 90 डिग्री, तो वो है एक्यूट एंगल. एंड जो लेफ्ट साइड में हमें देखने को मिले मोर देन 90 डिग्री, तो वो है ऑब्ट्यूज एंगल.